आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली के 46 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ है। आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी, जो दिल्ली के लोगों को दिल्ली की चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ़ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे, उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी, उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी क्यों रुक गई है? ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई है, और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा है, पैसा दिल्ली की विधानसभा ने पास किया है, इसका निर्णय दिल्ली के कैबिनेट ने ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद अब बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। कल सुबह मेरे पास दिल्ली की एक बिजली कंपनी से चिट्ठी आई, टाटा पावर से। उन्होंने उस चिट्ठी में स्पष्ट तौर पे लिख के बताया कि क्योंकि उनको आने वाले साल के लिए कोई भी सब्सिडी की सूचना नहीं मिली है, इसलिए आज से वो नॉर्मल बिलिंग यानी बिना सब्सिडी की बिलिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद कल ही बाकी जो BSES की दोनों डिस्कॉम्स हैं, उनसे भी मुझे चिट्ठियां आईं, यही बताते हुए कि उनके पास सब्सिडी की कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए उन्हें भी आज से नॉर्मल बिलिंग शुरू करनी होगी।